চলো পয়লা, ড্যাশ ইজ এন আর্ট অফ রেকর্ডিং এন্ড ক্লাসিফাইং বিজনেস ট্রানজাকশন, ফটাফট বলতে চলো। বুক কিপিং নেক্সট, অ্যাসেট মাইনাস লাইবিলিটিজ ইজ, কিসকার টার্ন হ্যায়, চলো ওপেন টু অল, জিসকো আতে হ্যায় বলতে চলো। ক্যাপিটাল এক্সেস অফ অ্যাসেট ওভার লাইবিলিটিজ রিপ্রেজেন্ট, ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট ইনভেস্টেড ইন বিজনেস ইজ কল্ড অ্যাজ, ওপেন টু অল, ক্যাপিটাল স্যার, ক্যাপিটাল ইসকা ভি দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি ইনভেস্টেড ইন বিজনেস বাই বিজনেসম্যান ইজ কল্ড, ক্যাপিটাল ব্যালেন্স ডিউ টু ব্যাংক রিপ্রেজেন্টস ব্যাংক আউটস্ট্যান্ডিং নেক্সট The concept under which one can sell goods to himself is called as draw credit. The concept under which one can sell drawings over here. Yes, sir. Next. अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर, ये तो आंसर दिखा नहीं दिखा है तुमको, पता ड्रॉइंग्स अभी वेदांत को बहुत सारे आंसर दे दिए, अभी बाकी लोग को डन, सार्थक अ पर्सन टू हुम वी ओ समथिंग इज, एडिटर एक मिनट, नेक्स्ट आदित्य, अ डॉग इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मॉनिटरी monitoring a voucher, voucher is a document, only dash transactions are recorded in the books of accounts, monitor jo tune bola tha wo idhar baithega, a recoverable debt is called, Parth, Shweta, Sarthak, Vedant, bad debt, bad debts, a dash debt is a debt which cannot be recovered, kitna easy dekho, सीधी बात है, बैड डेट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, एन अमाउंट विच इज इररिकवरेबल इज कॉल्ड, बैड डेट्स, द अमाउंट पेड टू ओनर ऑथर ऑफ बुक इज कॉल्ड एज, क्या मिलता है ओनर को, मेरा लिए पब्लिकेशन ने मुझे क्या दिया था बुक जब लिखा था, तो रॉयल्टी, it can vary from 10, 15, 20%, अलग अलग 10%, 15%, तुम्हारा बुक अच्छा बिक रहा है, नाम हो गया तो 20, 15 ऐसे मिलता है, हैरी पॉटर को 20, 25 देते होंगे परसेंट, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज, बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट इज, ड्राइंग्स अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, capital, goodwill is a dash asset, intangible, intangible, money value, Aditya, money value or reputation of business is known as goodwill, financial accounting is dash in nature, monetary, dash asset cannot be seen, intangible, next the asset can be seen and touched is tangible, expenses due but not paid is called as, outstanding, kitne bar aaya final account, brief explanation of the transaction is narration, excess of income over expenses, bank overdraft, wow chakda maar diya tune to, कमेंटेटर भी, क्रिकेटर भी क्लीन बोल्ड, कमेंटेटर भी कंफ्यूज, प्रिंसिपल सोच रहा है क्या हो रहा है, इनकम, पेमेंट ऑफ परचेस ऑफ अ परमानेंट एसेट इज अ डैश एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू डेफर्ड क्या आएगा,
कौन सा टाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर? देर आर डैश टाइप्स ऑफ बैलेंसेस इन अकाउंट्स, बोलो। टू, डेबिट और क्रेडिट, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, एक्सपेंसेस पेड फॉर फ्यूचर, पेड इज प्रीपेड, मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस रेपुटेशन इज, जब तुम खरीदते हो धंधा उसका ब्रांड का भी कीमत देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय, कौन इश्यू करता है इंडिया में? इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सिर्फ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जिसको ASB बोलते हैं। अकाउंटिंग बिगिंस विद डैश एंड्स, बताओ। अकाउंटिंग बिगिंस, एक मिनट, अकाउंटेंसी नहीं इसको, नेक्स्ट, द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, हम क्या बोलते हैं, RDD दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से छोटा वाला दिखाते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, डैश इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, अभी देखो लॉजिक लगाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड AS1 refers to disclosure of AS1, AS2 ऐसे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? So AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करता है, AS2 इन्वेंट्री की बात करता है, AS3 कैश फ्लो की बात करता है, अरे मैंने आंसर दे दिया तुमको, अकाउंटिंग AS2 किसका है? हमको कैसे मालूम है? अभी तो दिया आंसर मैंने, AS2 किसकी बात करता है? इन्वेंट्रीज। AS6 refers to dash accounting, AS चकड़ा मुझे लगता है डेप्रिसिएशन का है। अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट बिजनेस शैल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, गोइंग कंसर्न, डैश बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज इनकम और गेन्स, कॉमन सेंस बताओ, डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट सर। With the help of dash concept, double entry system of bookkeeping is created. कौन सा concept है? Dual concept बोलते हैं उसको. Drawing account is a dash account. बोलो personal, real, nominal. Drawing is a personal account. नेक्स्ट, वेजेस अकाउंट इज डैश, यहाँ पे ढक गया दिख नहीं रहा मुझे, क्या आंसर है? नॉमिनल, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इज अ डैश अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डैशबोर्ड इफेक्ट, कितना इजी है? टू डबल कोई भी बोलो। इन बुक कीपिंग ओनली डैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कितना इजी है? कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? मॉनेटरी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ डैश अकाउंट। रियल अकाउंट। द बुक इन विच एवरी अकाउंट इज मेंटेन इज नोन एज bookkeeping, ledger, ledger. Real account is always dash balance, ye aana chahiye tumko, debit balance, debit balance. Commission receipts are tak is a dash account sir, nominal. Vedant, next, rule for debit and credit to real account is kya hai, bol? Debit what comes in, credit what goes out. तो जगह नहीं था, व्हाट गोज आउट है, ठीक है, एक मिनट क्या हो गया इसमें। नेक्स्ट बोलो, इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट डैश पार्टीज आर इन्वॉल्वड, टू
नेक्स्ट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डैश अकाउंट रियल रियल विद द हेल्प ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट डैश सिस्टम ऑफ बुककीपिंग इज क्रिएटेड डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज बोलो डेबिट डर इज योर क्रेडिट द गिवर आदित्य नेक्स्ट दो मिनट से लिख क्रेडिट द गिवर Bank overdraft is a dash of the business. Asset is a liability. Liability. The credit balance of personal account shows. Personal account ka balance credit hai. Matlab kya hai? Amount payable ya liability. If the goods are distributed as free sample, dash account is debited. Kitne aapan ne liya na final accounts mein kisko debit karte the P&L mein? Advertisement. A book of prime entry is called as journal. Journal. Journal entries are posted in Aditya. Sarthak. Ledger. Journal is a book of original entry. Wages paid for installation of machinery should be debited to. देखो तीसरी बार आया. Machinery. इसलिए आया कि काफी बार पूछते हैं इसको एग्जाम में. Carriage on purchase is debited to dash. Bolo. Purchase. नहीं नहीं purchase को debit नहीं करेंगे purchase में जुड़ेगा नहीं अलग से account बनेगा वो carriage या carriage inward बोलेंगे है ना next subdivision of journal is known as journal को अलग अलग भाग में बांटते हैं अपन क्या बोलते हैं उसको subsidiary books the subsidiary book in which only credit purchases are recorded is called कितना easy है कौन से book में record होते हैं Sorry? Purchase book. Purchase book. So returns from customers are to be recorded on the basis of dash note received. मैं तुम्हारा customer हूँ, मैं तुमको कुछ लौटा रहा हूँ, तो मैं तुमको कौन सा note दूंगा? Debit note दूंगा। याद है ना मैंने बताया था? मैं जब खरीदूंगा तो मैं तुमको देना है तो मेरे लिए liability है, तो मैं credit करूँगा। जब लौटाऊंगा तो उल्टा करूँगा debit। तो तुमको debit note दूंगा। Credit purchases are recorded in the dash book. कौन से बुक में रिकॉर्ड करते हैं अच्छे बुक एंट्री फॉर बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड इन द डैश का रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर उसका एंट्री आएगा जैसे यदि किसी स्टूडेंट ने फीस डुबा दिया तो हम क्या बोलेंगे बैड डेट्स टू वो स्टूडेंट का नाम ठीक है Credit sales are recorded in the dash books. Sales. Credit sales are recorded in the. कौन सा book? Simple science. Sales book. Sales book is used to record all. Sarthak. क्या record करते हैं? Credit sales. Purchase book is used to record Aditya. Vedant. Common sense लगाओ. Credit purchases. Cash deposited in bank is a dash entry. देखो कितना easy है. दोनों side आता है. Contra. Contra. Cash book records only dash transactions. Aditya. Shweta. Cash. Cash. A bank account in which the transaction prefers to open with the bank. Prefers नहीं वही account खोलेगा उसका. कौन सा? Current, fixed, recurring. Current. A discount given on catalog price is called trade discount. Trade discount. एक सेकंड होल्ड करना एक सेकंड हाँ नेक्स्ट कैश परचेज ऑफ गुड्स शुड बी क्रेडिट टू जर्नल एंट्री क्या होगा व्हाट कम्स इन गुड्स क्रेडिट किसको करेंगे बोलो तुमको जर्नल एंट्री बोलता हूँ परचेज टू कैश अभी क्रेडिट किसको क्या बोलो कैश को क्रेडिट किया ना और सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश एंड चेक इनटू द बैंक इज कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है जब तुम कैश या चेक जमा करते हो बैंक में पे इन स्लिप डैश कॉलम ऑफ कैश बुक एक्ट्स एज अ बैंक कॉलम बैंक अकाउंट
बोलो कौन सा कॉलम? बैंक अकाउंट. दैट डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बोलो ट्रेड क्या कैश? ट्रेड ट्रेड. द डिस्काउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड एज ट्रेड. When goods are sold on cash, dash account is created. तुमने मुझे बेचा, मैं what comes in cash, what goes out goods, cash to sales. तो किसको create करोगे बोलो? Sales. एक create करो, cash account नहीं है, sales account है. Correct, sales is correct. Next, in case of an overdraft, the bank column of the cash book will show a dash balance. Overdraft ka balance kya rehta hai? Debit kya credit? Credit. Cash purchase of goods should be credited to. What comes in goods purchase ko debit karo, cash ko credit karo. To idhar kisko credit karenge? Batao. Cash ko credit karenge. क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज. कैश बुक का क्रेडिट कॉलम बैलेंस मतलब क्या होएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हेन क्रेडिट साइड टोटल एक्सेस डेबिट साइड इट इज कॉल्ड डैश बैलेंस. डेबिट बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट साइड ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर इज कॉल्ड डैश साइड. कितने सारे सम हुए अपने? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट साइड ना. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डैश साइड. कौन सा है? कितना इजी है? डेबिट साइड. द अकाउंट इज सेड टू हैव डैश बैलेंस इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड. डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस बोलो. To draw two parallel lines across the face of check is called dash. बोलो क्या बोलते हैं? Crossing. Cross check. Crossing हाँ. Cross check बोलो. Crossing बोलो. Bank overdraft balance as per passbook has dash balance. याद रखो passbook का balance favorable हमेशा credit होता है. Overdraft क्या होगा? उल्टा कर दो. क्या होगा? Debit होगा. Passbook के हिसाब से. A list of debit and balance and credit balance of ledger is called as. कितना इजी है? Find accounts किसके मदद से बनता है? Trial balance. Assets का balance हमेशा क्या रहता है? Debit. अभी बाकी लोग आंसर करो. आदित्य. All expense of dash balance. सार्थक, वेदांत, श्वेता, गौरी. Credit. क्यों भाई? क्रेडिट इनकम को क्रेडिट होता है. एक्सपेंस को क्या होता है? डेबिट. डेबिट. ट्रायल बैलेंस इज रिपोर्टेड एट द डैश ऑफ अकाउंटिंग ईयर. कितना इजी सार्थक. एंड परचेज अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डैश बैलेंस. कितना इजी है? डेबिट. डेबिट. क्या बोली? सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोस डैश बैलेंस. क्रेडिट. 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 Trial balance account contains all dash on a certain date. Balance. Balance, badiya. The trail balance nahi, only shows dash accuracy. Ye bhi aaya ek baar. Arithmetical. Arithmetical. Spelling bol. Spelling bol. Arithmetical. Sahi jawab. Tere saamne book kya lagta hai? Answer dikhta hai usme se? Nahi. Very good. Outside expenses are given the trail balance, trail trial balance. Then posting must be liability side. इसका मतलब trail का meaning क्या होता है? Trail का meaning क्या होता है? कोई English में trail का meaning क्या होता है? Trail could be रास्ता, किसी को follow करना, उसको trail बोलते हैं. उसको काफी जगह पर यूज कर सकते हैं ट्रेल. चलो अभी खत्म होता है तुम्हारे. ट्रायल बैलेंस इज डैश बट नॉट इन अकाउंट. क्या है आदित्य?
स्टेटमेंट है क्या, अकाउंटेबल क्या है? स्टेटमेंट है परमानेंट रिडक्शन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर तक डेप्रिसिएशन बढ़िया द फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड श्वेता डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड आदित्य देख कितना मस्त पूछा तुमने वही है सर डेप्रिसिएशन मजा आ गया होगा डैश अकाउंट ऑफ टू बी द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड तुम्हारा ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट में से कहां पे आता है पार्थ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है लेजर है तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और फिर वहां से डेप्रिसिएशन जाता है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड ठीक है मशीनरी को क्रेडिट करते हैं और फिर पीएनएल वहां से डेप्रिसिएशन जाता है पीएनएल में ठीक है अंडर डैश मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज एवरी ईयर उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं या तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलेंगे या रिड्यूस बोलेंगे तीनों एक ही है सेम मीनिंग है द टाइप ऑफ एसेट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एज वेदांत फिक्स करंट कौन सा एसेट यूज होता है फिक्स्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर भी डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस अमाउंट बैलेंस मतलब 100 रुपए पे 10 का गया 90 फिर 90 पे इसको डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेंस फिक्स्ड अंडर डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है सिंपल सा सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलो या स्ट्रेट लाइन बोलो तो भी चलेगा या फिक्स बोलो तो भी ठीक है अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस शीट बढ़िया नेक्स्ट द स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल पोजीशन श्वेता दिमाग लगाएगी बैलेंस शीट नेक्स्ट बढ़िया इफ द बिजनेस सफर्स लॉस द डैश ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस सार्थक दिमाग लगाएगा मेरे को बता आदित्य तेरा नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो नेट लॉस क्या होता है लेस उस रफ से सार्थक इसमें क्या आंसर होगा क्या घटता है कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट पार्थ कितने बार किया है कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज मोर या लेस लेस तुमको मैं रेडीमेड लड्डू दे रहा हूँ बस तुमको खाने को चाहिए बस ऐसा कैडबरी के भी रैपर खोल के उसमें से तोड़ के ऐसा रेडीमेड मिल रहा है तुमको तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट्स डैश कितना इजी है डेबिट साइड जा रहा तो मेरा कि हाँ नेट लॉस बैलेंस शीट इज अ डैश बट नॉट एन अकाउंट बोल वेदांत यस सर आदित्य कितना इजी है स्टेटमेंट सर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज अब ये ट्वेल्थ का है थोड़ा सा सेल्स जो क्रेडिट साइड में है और माइनस जीपीएस टेक्निकल भाषा में इसको सीओजीएस बोलते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हालांकि 12th में 12th का सेकंड लास्ट चैप्टर नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द डैश अकाउंट अब तुमको पता होना चाहिए कहां ट्रांसफर करते हो पीएनएल में नेट प्रॉफिट वहां से कहां जाएगा कैपिटल में परचेज रिटर्न्स आर डिड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम आदित्य ट्रेडिंग में क्या करते हैं परचेज रिटर्न किससे माइनस करते हैं परचेज AS6 deals with AS chapter is depreciation. Capital is in excess of dash over liabilities. Sarthak. Assets. Gross profit and gross loss is transferred to Shweta. Profit and loss account. Under dash. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंजेस एवरी ईयर जिसमें हर साल
घटते जाता है, रिड्यूसिंग या डिमिनिशन बैलेंस मेथड बोलेंगे, या रिटर्न ऑन वैल्यू बोलेंगे, तीनों सेम ही। डैश अकाउंटिंग सिस्टम सेव्स अ लॉट ऑफ मोनोटोनस वर्क, कंप्यूटर अकाउंटिंग, पेमेंट ऑफ रेंट एंड टैक्स, इनकम टैक्स इज डेबिटेड टू डैश ऑफ अ ट्रेडर, ड्रॉइंग्स अकाउंट, पेमेंट ऑफ रेंट, हाउसहोल्ड रेंट होना चाहिए, ठीक है, रेंट रहा तो वो बिजनेस में दिखा सकते हैं, पर्सनल रेंट होगा वो, पर्सनल रेंट और इनकम टैक्स कैपिटल से कम होता है, ड्रॉइंग्स ए एस टू डील विद, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, नहीं यहाँ काफी है।